नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के गुरु यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो है हिस्ट्री जी के क्वेश्चन सीरीज की आठवीं। यदि आपने पहली सात वीडियो नहीं देखी है तो आप जो हिस्ट्री जी के क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर वे सात वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से काफी इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपने जरूर देखनी है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप किसी सरकारी नौकरी या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि मैं वहां पर बहुत सारे कोर्स और वीडियोज अपलोड करता रहता हूं एजुकेशन से रिलेटेड, वे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में काफी मदद करेगी। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। और जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है ए उपनिषेद, बी अर्थवेद, सी सुलभ सूत्र, डी शतपथ ब्राह्मण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी सुलभ सूत्र, वैदिक ग्रंथ का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अर्थवेद या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा वेदों की संख्या चार है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ए शिक्षा, बी पशुपालन, सी कृषि या डी व्यवसाय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी पशुपालन, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, ए सामवेद को कहा जाता है या फिर बी ऋग्वेद को कहा जाता है या फिर सी अर्थवेद को या डी यजुर्वेद को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सामवेद, यानी कि जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ था वो सामवेद था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है, ए सेल्यूकस, बी चाणक्य, सी मनु या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी मनु, प्रथम विधि निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, ए गीत गोविंद, बी महाभारत, सी श्रीमद् भगवत गीता, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है श्रीमद् भगवत गीता, यानी कि जो सही ऑप्शन है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, ए भूमि है, बी गोधन है, सी गोधन और भूमि है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी गोधन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज की वीडियो का नौवा क्वेश्चन है ये कि पुराणों की संख्या कितनी है, ए 20, बी 16, सी 18 या डी 11। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी 18 पुराणों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, ए पशुपति, बी प्रकृति, सी माता, डी त्रिमूर्ति। तो इसका सही आंसर है बी प्रकृति। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री जीके के क्वेश्चंस करवाए, इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस पहले आते थे और कितने आपने नए सीखे हैं ये कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना है। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ।